राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फल मक्खी के बारे में, जिसे आप देसी भाषा में डासी कह सकते हैं। एक प्रकार की यह मक्खी होती है और फलों में डंक मार देती है। जहाँ से यह डंक मारती है वहीं से फल कमज़ोर हो जाता है और टेढ़ा पड़ने लगता है। या तो फल कमज़ोर हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, पीछे मोटा आगे पतला हो जाएगा, या फिर वहीं से टेढ़ा हो जाएगा, या फिर इनके डंक मारने से, इनके चूसने से फल पीले पड़ने लगते हैं और सूखने लगते हैं। जहाँ पर ये डंक मारती हैं वहाँ पर कभी कभी कीड़े भी पड़ जाते हैं। मोटे मोटे जो हरे वाले कीड़े होते हैं वह पड़ जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो इनसे, इन सभी चीज़ों से फसलों में बहुत सारे नुकसान होते हैं। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए हम आज बात करेंगे। जिसे मक्खी ट्रैप बोलते हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मक्खी ट्रैप यानी कि जो ट्रैप होता है, इनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप अपनी फसलों में इसको लगा सकते हैं। एक टैबलेट में ये दवा डाली जाती है और गिलास में भरकर टांग दी जाती है और ये उल्टा लटका दी जाती है, जिससे कि इसमें मक्खियाँ इसके ओर स्वतः ही आकर्षित होती हैं और इसमें आती हैं। इसमें आने के बाद में वह स्वतः ही मर जाती हैं और मरने के पश्चात आप गिलास को खोलकर उसके ढक्कन में जो मक्खियाँ इकट्ठा होती हैं उसको फेंक दीजिए, जिससे कि और अधिक मक्खियाँ आती रहें। यह फल मक्खियों का ट्रैप जो है, ये लगभग 15 से 20 दिन तक एक बार लगाने पर काम करता है। यदि आप एक बार लगाते हैं तो ये 15 से 20 दिन काम करेगा आपकी फसल। जैसे आप अपनी फसलों में, जैसे लौके की फसल है, करेले की फसल है, या बैंगन की फसल है, या कद्दू की फसल है, तरोई की फसल है, जब फल मक्खी इनके फलों पर डंक मारती हैं तो फल में पानी निकलने लगता है और वहीं से फल कमज़ोर पड़ जाता है, या काले दाग धब्बे पड़ जाते हैं, या फिर फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिससे कि आपकी फसल जो है वह नुकसान होता है और मार्केट में बिकने में भी दिक्कत होती है, बेचने में भी दिक्कत होती है। उनका कोई रेट नहीं होता है, कोई मूल्य नहीं मिल पाता है उन फसलों के फलों का। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, करेले का फल है और जब ये डंक मारती हैं तो पीला पड़ जाएगा। लौकी का फल है, डंक मारेंगी तो ये काला पड़ जाएगा। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल पर आप बराबर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।